सीआरपीएफ नीमच के जिम्नेजियम हॉल में आज कराटे प्रशिक्षण शिविर का समापन गरिमामय समारोह के साथ हुआ। इस मौके पर डीआईजी एसएलसी कूप डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी, सीआरपीएफ के अधिकारी, खेल प्रेमी राजेंद्र पहलवान, इनरवेल क्लब के अध्यक्ष रजिया अहमद और अमरजीत छाबड़ा बतौर अतिथि मौजूद रहे। बताते चले कि 10 अगस्त को कावा अध्यक्ष रेबिका एम सिमटी द्वारा इस प्रशिक्षण शिविर और चैंपियनशिप का शुभारम्भ किया गया था। कराटे प्रशिक्षक मीरा थापा और आशीष भक्ति ने प्रशिक्षण शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 5 वर्ष से 23 वर्ष के 150 बच्चों से लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस दौरान कराटे के खिलाड़ियों ने अपने खेल का जोरदार प्रदर्शन किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कराटे खिलाड़ियों को मंचासीन अधिकारियों और समाज सेवियों ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत हुआ। सीआरपीएफ के बैंड ने स्वागत धुन बजाई। मीरा थापा ने डीआईजी एसएलसी खूब और आमंत्रित अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया। उल्लेखनीय है कि सीआरपीएफ द्वारा खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में योगदान दिया जाता रहा है। मीरा थापा जी हर वर्ष कराटे के कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं और मैं ये हमेशा इसको अटेंड करना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं और जब भी हमारा सहयोग मांगती हैं तो हम ज़रूर आगे रहते हैं। और इस वर्ष इनर व्हील के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने हमसे सहयोग मांगा और वो भी हम उसमें भी हम आगे रहे तो बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स और मेडल्स वगैरह आए हैं इनर व्हील की ओर से। कराटे एक ऐसी कला है जो हर बच्चे को आनी चाहिए और इससे शरीर स्वस्थ होता है और जो बच्चे अपना जो अतिरिक्त समय है वो यहाँ वहाँ व्यय नहीं करते उसको अच्छे काम में लगाते हैं, कराटे में लगाते हैं। देखिए अभी 10 तारीख को हमारे क्षेत्र में कक्षा ने इस ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन किया था, आप लोग उसके साक्षी रहे हैं। उसी के तुरंत बाद ये 2 दिन का जिला स्तर का कराटे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए और उन्होंने कराटे जो कंपटीशन है उसमें बढ़ चढ़ कर बात की। सर कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? सर लगभग इसमें 150 बच्चे आए। आज क्या आयोजन है सर? आज ये फाइनल है, क्लोजिंग है और क्लोजिंग इवेंट हो रहा है। जिन जिन बच्चों ने फाइनल मैच खेला है उनको इनाम दिया गया है और हम उन बच्चों की इसी तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये आगे बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन। सर डीआईजी साहब भी मौजूद हैं, उनके द्वारा भी वो पुष्टि किया गया है। हाँ ऑब्वियसली डीआईजी साहब तो रहेंगे क्योंकि ये हमारा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।